नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल राइट वे स्टडी में। दोस्तों दोस्तों यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और पल पल की खबरें जानें। दोस्तों दोस्तों जैसा कि हम लोग साइंस पढ़ रहे थे, जनरल साइंस का दोस्तों ये पार्ट नंबर 8 है दोस्तों, जिसमें आपको 30 क्वेश्चन मैं हर एक पार्ट में देता रहता हूँ, जिसमें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे और एमसीक्यू बेस होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों बिना किसी देरी के चालू करते हैं सेशन को। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है दोस्तों? तो दोस्तों इसके 4 ऑप्शन हैं, यदि आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में दे दें, उसके बाद मैं दोस्तों बताऊँगा। तो 4 ऑप्शन आपके, अपवर्तन, विवर्तन, प्रकीर्णन, परावर्तन। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों का इसका आंसर पता होगा, कमेंट बॉक्स में दिया होगा दोस्तों। तो दोस्तों बिना किसी देरी के इसका आंसर हम बताते हैं। तो इसका आंसर दोस्तों है प्रकीर्णन, प्रकीर्णन दोस्तों। दोस्तों इसके बारे में थोड़ा जानते हैं, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थ के अत्यंत सूक्ष्म कण हैं, जो कण होते हैं, तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित होता है, जिसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जब सूर्य से आने वाला प्रकाश पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करता है तो वातावरण के कणों से टकराकर इधर उधर बिखर जाता है और वातावरण के कण श्वेत प्रकाश के नीले रंग को परावर्तित कर देता दोस्तों दो है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मनुष्य की आँख की रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह कैसा होता है? इसके 4 ऑप्शन दोस्तों हैं, वास्तविक और क्षैतिज, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो इसका सही आंसर आपका रहेगा वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा दोस्तों। रेटिना के बारे में जानते हैं दोस्तों, मनुष्य की आंख के पिछले पर्दे को रेटिना कहते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन आ जाए कि रेटिना किसे कहते हैं, तो मनुष्य की आँख के पिछले पर्दे को क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। इसमें कुछ कोशिकाएँ होती हैं जिन तक प्रकाश पहुंचता है और उसी प्रकाश का विश्लेषण करके ये नज़र आने वाली चीज़ को देखने में सक्षम होती हैं दोस्तों। दोस्तों आशा करता हूँ रेटिना के बारे में भी आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है? वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है? तो यदि आप लोगों को इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में दें दोस्तों। जल की श्यानता, पृष्ठ तनाव, गुरुत्वीय बल, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर है आपका दोस्तों पृष्ठ तनाव के कारण आपका जो है बूंद होती है गोलाकार होती है। तो पृष्ठ तनाव की आप लोग परिभाषा देख लें, किसी द्रव के सतह या पृष्ठ का एक विशिष्ट गुण है, यह हर द्रव की सतह पर एक बल कार्य करता है जिसे पृष्ठ तनाव कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पृष्ठ तनाव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मनुष्य दाढ़ी बनाते समय कौन सा दर्पण प्रयोग करते हैं? मनुष्य दाढ़ी बनाते समय कौन सा दर्पण प्रयोग करते हैं? 4 ऑप्शन आपके दिए हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, सीधा दर्पण, और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर आपका रहेगा अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण दोस्तों? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के बारे में जानते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग मुख्य रूप से टार्च, सर्च लाइट, गाड़ियों के हेडलाइट आदि में किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, थायराइड ग्लैंड कौन से दो मुख्य हार्मोन का स्राव करता है? T4, T3, T5, और इनमें से ए और बी वाला, मतलब टी और फोर दोनों, कहने का मतलब यह है, तो ए और बी दोनों दोस्तों, ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड भोजन से दो मुख्य हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन का उपयोग करते हैं, आयोडीन का उपयोग करते हैं दोस्तों। थायराइड एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, थायराइड हार्मोन के माध्यम से हमारा मेटाबोलिज्म नियंत्रण में रहता है, क्योंकि यह आयोडीन को खून से प्राप्त करता है और थायराइड हार्मोन में शामिल करता है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, यकृत द्वारा निकलने वाला बाइल जूस का क्या काम होता है? या भोजन को अम्लीय बनाता है, या भोजन को तोड़ता है, या भोजन को क्षारीय बनाता है, और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर आपका रहेगा या भोजन को क्षारीय बनाता है, भोजन को क्षारीय बनाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महाद्वीप में मानव से संबंधित जीवाश्म अधिक मिले हैं?
यूरोप महाद्वीप में, अफ्रीका, अमेरिका या फिर एशिया महाद्वीप में? तो इसका सही आंसर आपका है अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मनुष्य के शरीर के किस अंग में लसीका कोशिकाएं बनती हैं? लसीका कोशिकाएं बनती हैं दीर्घस्थ, अग्नाशय, यकृत, नाभितीश दोस्तों। सही आंसर इसका आपका दीर्घस्थ, दीर्घ अस्थि या लार्ज बोन्स लसीका कोशिकाएं दोस्तों। जब रुधिर कोशिकाओं से होकर बहता है तब उसका द्रव भाग कुछ भौतिक, रासायनिक या शारीरिक प्रतिक्रियाओं के कारण कोशिकाओं की पतली दीवारों से छनकर बाहर जाता है। बाहर निकला हुआ यह रुधिर लसिका रस, लसिका या लिम्फ कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? लिम्फ कहलाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पांडा किस कुल का सदस्य है? पांडा कुल किसका सदस्य है? बिल्ली, खरगोश, कुत्ता, भालू। तो इनमें से आपका सही जो आंसर होगा वो होगा भालू दोस्तों। क्या रहेगा? भालू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में किसका प्रयोग किया जाता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग में किसका प्रयोग किया जाता है? आपके चार ऑप्शन दिए हैं दोस्तों। इसका सही आंसर आपका रहेगा प्लास्डिड। क्या रहेगा? प्लास्मिड। तो दोस्तों जेनेटिक इंजीनियरिंग विज्ञान की एक अत्याधुनिक ब्रांच है जिसमें सजीव प्राणियों के डीएनए कोड में मौजूद जेनेटिक को अत्याधुनिक तकनीक के जरिए परिवर्तित किया जाता है। इसके जरिए पेड़ पौधे और जानवरों में ऐसे गुण विकसित किए जाते हैं जिसकी मदद से इनके अंदर बीमारियों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता विकसित की जाती दोस्तों हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यदि माता का रुधिर वर्ग ओ तथा पिता का रुधिर वर्ग ए बी है तो संतान का रुधिर वर्ग क्या होगा? दोस्तों इसके चार ऑप्शन ओ तथा ए बी, बी एवं ए बी, ए व बी, इसका रहेगा आपका ए एवं बी, ए एवं बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लिंग संलग्न वंशागति के खोजकर्ता कौन थे? दोस्तों चार ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। इसका जो सही आंसर आपका है वो मार्गन है दोस्तों। क्या है? मार्गन। लिंग संलग्न वंशागति लैंगिक क्रोमोसोम्स में पाए जाते हैं, लैंगिक क्रोमोसोम में पाए जाते हैं, जीनों के अनुसार, पाए जाने वाले जीनों के अनुसार लिंगों में भिन्नता होती है, लिंगों में भिन्नता होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13वां है, खिलाड़ियों के लिंग की जांच के लिए लार परीक्षण में बार पिंड देखने जाने वाले पिंड कौन से होते हैं? नरलिंग, वाई गुणसूत्र, एक्स गुणसूत्र, इनमें से कोई? सही आंसर आपका इसका रहेगा एक्स गुणसूत्र, एक्स गुणसूत्र दोस्तों। दोस्तों 14 नंबर आपका है, बी रुधिर वर्ग के रोगी को किन वर्गदाताओं को रक्त दे सकते हैं? जो बी रुधिर वर्ग के रोगी को किन वर्ग के रक्तदाता जो है रक्त उनको दे सकते हैं? इसका सही आंसर आपका है दोस्तों, जो ओ है वो सर्वदाता है। ओ क्या होता है? सर्वदाता होता है। और ए बी आपका सर्वग्राही होता है दोस्तों। तो ए बी जहाँ जहाँ पे रहेगा वो तो आपका ब्लड देगा नहीं दोस्तों, तो जो बी होगा और ओ होगा वही दे सकेगा। तो इसका सही आंसर आपका रहेगा ए नंबर, ओ तथा बी, ओ तथा बी दोस्तों। दिया हुआ है ब्लड ग्रुप ओ, यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर दोस्तों मतलब कि सर्वदाता है। और ये आपका ए बी रहेगा, यूनिवर्सल रिसीवर, ये सर्वग्राही रहेगा दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मनुष्य के रुधिर वर्ग किस पर निर्भर करता है? चार ऑप्शन आपके दिए हैं, चारों में जो सही ऑप्शन आपका है मनुष्य में उपस्थित जीन पर, मनुष्य में उपस्थित जीन पर दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक अवशेषी अवशेषी अंग नहीं है? तो दोस्तों इसके चार ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, इसका सही ऑप्शन आपका रहेगा डायफ्राम, डायफ्राम दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मानव शरीर का तापमान कितना होता है? मानव शरीर का तापमान कितना होता है दोस्तों? तो ये आपके चार ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों में से आपका सही ऑप्शन है 46, 36.9 डिग्री सेल्सियस, 36.9 डिग्री सेल्सियस दोस्तों। दोस्तों ये एक फार्मूला दिया है जिसको आप कैल्शियम, जो सेंटीग्रेड डी जो होता है, फारेनहाइट होता है, और आर रूमर होता है, और के
केल्विन दोस्तों होता है, एक दूसरे को दूसरे में चेंज कर सकते हैं। जैसे हमारा सेल्सियस में दिया है तो इसको हम फारेनहाइट में चेंज कर सकते हैं दोस्तों, या फिर सेल्सियस इस वाले पॉइंट को उठाकर हम केल्विन में चेंज करना चाहते हैं, तो इन दोनों को मिला के हम समीकरण को संतुष्ट करके दूसरा मान निकाल सकते हैं, एक दिया होने पर दूसरा निकाल सकते हैं दोस्तों हम। तो आशा करता हूँ दोस्तों सेशन समझ में आया होगा। दोस्तों अगर सेशन समझ में आ रहा है तो एक लाइक कर दें दोस्तों, और सब्सक्राइब कर दें यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है। और दोस्तों इस PDF फाइल को लेने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन करें दोस्तों। दोस्तों टेलीग्राम चैनल जो आपका है और व्हाट्सएप ग्रुप है, इन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि उत्तेजना से संबंध रखती है, अग्नाशय, पीयूष, अधिवृक्क या ननाभिदीज। तो इसका सही आंसर आपका है अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि। दोस्तों अधिवृक्क जो ग्रंथ होती है वो कशेरुकी जीवों में पाए जाने वाली एक अंतःस्रावी ग्रंथ है, यह गुर्दे के ऊपर स्थित होती है, गुर्दे के ऊपर स्थित हो। इसका मुख्य कार्य तनाव की स्थिति में हार्मोन निकालना होता है, तनाव की स्थिति में हार्मोन्स को निकालना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है। दोस्तों जो मनुष्य का मस्तिष्क होता है उसका कुछ भार होता है वो बताना हमको है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं जिनमें से आपका 1350 ग्राम दोस्तों, 1350 ग्राम दोस्तों। तो नेक्स्ट आसन आपका है, रक्त जमने में कौन सा तत्व सहायक होता है, रक्त जमने में कौन सा तत्व सहायक होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम या आर्सेनिक। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका है कैल्शियम। कैल्शियम जो होता है रक्त को जमने में काम देता है। रक्त का थक्का जमाने में किस विटामिन का योगदान दोस्तों होता है, तो विटामिन के, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मानव रक्त में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कितना होता है। दोस्तों तो कोलेस्ट्रॉल का जो सामान्य स्तर आपका होता है वो होता है 140 से 180 मिलीग्राम दोस्तों। कोलेस्ट्रॉल दोस्तों वसा या नरम मोम जैसा पदार्थ होता है जो शरीर की हर कोशिका में मौजूद होता है, या तैली होता है, पानी में घुलता नहीं है, और ये आपका लिपोप्रोटीन कणों के रूप में रक्त प्रवाह के जरिए दूसरे अंगों तक पहुंचता है। कोलेस्ट्रॉल शरीर के लिए जरूरी तत्व है, कोलेस्ट्रॉल शरीर के लिए जरूरी तत्व है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना किडनी पर भी बुरा असर डालता दोस्तों है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्रोटोथीरिया का विकास किससे हुआ, प्रोटोथीरिया का विकास किससे हुआ, उभयचरों, सरीसृपों, पक्षियों। तो इसका सही ऑप्शन आपका है सरीसृपों से, सरीसृपों से दोस्तों। तो नेक्स्ट आपका 23 आए, ईईजी का प्रयोग, ईईजी का प्रयोग किस गतिविधि कंप्यूटर के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन आपका रहेगा दिमाग के लिए दोस्तों, होता है ईईजी और ईसीजी दोस्तों। ये आपका इसका हिंदी ये हो जाएगा इंग्लिश, और ये आपका ये हो जाएगा दोस्तों, ये आपका दिल का धड़कन मापता है दोस्तों, याद रखना है। तो नेक्स्ट आपका रहेगा, मानव के त्वचा का रंग किससे बनता है, मानव के त्वचा का रंग किससे बनता है। तो इसका जो सही आंसर आपका रहेगा वो रहेगा मेलानिन दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसकी उत्पत्ति यकृत द्वारा होती है, निम्न में किसकी उत्पत्ति यकृत द्वारा होती है, यूरिया, श्लेष्मा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या ननाभिदीज दोस्तों। तो यूरिया दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या आपका रहेगा, यूरिया दोस्तों। दोस्तों यूरिया का जो फार्मूला होता है वो भी देख लीजिएगा, NH2CO NH2, ये भी आपका आगे ही रहेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा। यूरिया के बारे में और थोड़ा जान लीजिएगा, तो जो लीवर आपका होता है एक शरीर का अंग होता है, लीवर जो दोस्तों होता है एक शरीर का अंग होता है जो केवल कशेरुकी प्राणियों में पाया जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है जो लीवर दोस्तों है, या मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। दोस्तों ध्यान देना है कि यदि आप लोग दोस्तों दारू अधिक मात्रा में पी रहे हैं तो दोस्तों ये लीवर आपका खराब हो सकता है। तो लीवर दारू जो है आपके लीवर के बहुत ही हानिकारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की आयु आकलन कैसे किया जाता है, पृथ्वी की आयु का आकलन है वो कैसे किया जाता है। चार ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, परमाणु डेटिंग से, कार्बन डेटिंग से और अन्य। तो कार्बन डेटिंग से,
परमाणु डेटिंग से, यूरेनियम डेटिंग से, ननाब्दीज। तो इसका सही आंसर आपका रहेगा यूरेनियम डेटिंग से, यूरेनियम डेटिंग से दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि सेशन अच्छा लगा होगा आपको, और आगे देखते हैं दोस्तों। नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किस प्रकार किया जाता है, नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किस प्रकार किया जाता है, ईंधन के रूप में, विमंदक के रूप में, रासायनिक के रूप में, या उपरोक्त में सभी। सही आंसर आपका रहेगा विमंदक के रूप में, विमंदक के रूप में, मॉडरेटर के रूप में। उन पदार्थों को विमंदक कहते हैं जो नाभिकीय क्रिया के वेग को कम कर देते हैं दोस्तों। पॉइंट यहाँ पे दोस्तों को रखना है, वे जो अभिक्रिया के वेग को कम कर देते हैं मॉडरेटर कहलाते हैं। साधारण जल, भारी जल, ग्रेफाइट, जो भारी जल दोस्तों है D2O, ये सबसे अच्छा विमंदक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अल्फा बीटा गामा की भेदन शक्तियों को अवरोही क्रम में लिखना दोस्तों है। तो इनकी भेदन की जो अवरोही क्रम सही होगा वो अल्फा बीटा गामा होगा दोस्तों। अल्फा बीटा गामा किरणों की भेदन क्षमता अलग अलग होती है। अल्फा और बीटा किरणों की खोज रदरफोर्ड ने की थी, किसने की थी, रदरफोर्ड में की थी दोस्तों, और गामा किरणों की खोज हेनरी बेकुरेल ने की थी, हेनरी बेकुरेल ने दोस्तों की थी। दोस्तों दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है दोस्तों, मीथेन, एथेन, एथिलीन, उपयुक्त में सभी। सही आंसर आपका इसका रहेगा एथिलीन, क्या रहेगा, एथिलीन दोस्तों। तो एथिलीन दोस्तों जो है एक रंगहीन ज्वलनशील गैस है जिसकी गंध दोस्तों हल्की मीठी कस्तूरी जैसी होती है। इसका उपयोग बड़े पैमाने पर पॉलीथीन नामक प्लास्टिक बनाने में किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों है, एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है, एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है। तो इसके चार ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, चार ऑप्शन दिए दोस्तों हैं, चारों में आपका सही ऑप्शन रहेगा एस्टिल सैल्सिलिक एसिड, एस्टिल सैल्सिलिक एसिड, जो अक्सर हल्के दर्दों से छुटकारा पाने के लिए दर्द निवारक के रूप में किया जाता है दोस्तों। ज्वर कम करने के लिए, ज्वर शामक के रूप में, माइग्रेन के इलाज के लिए प्रयुक्त किया जाता है, मुख्य औषधियों में से एक दोस्तों है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। यह सेशन अच्छा लगा दोस्तों है तो सेशन को लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को दोस्तों, और व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो जय हिंद, जय भारत।